भारत वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का कोर वोट बैंक जो है वो मराठी मानुष ही है, बहुत मजबूत इससे एनडीए हो जाने वाली है। देखिए, राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए इसका सीधा सवाल यह है, करीब पिछले 2-3 चुनाव में 2.5% के आसपास वोट राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उसको मिलता रहता है। तो ऐसे में जो बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार मानते हैं कि अगर उनका ये जो 2 से 2.5% फीसदी वोट है चुनाव के दौरान इतने कांटे के मुकाबले में अगर उनको मिलता है तो एक बड़ी ताकत उनको प्रदान करेगा जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है उसमें। और दूसरी चीज़ देखिए, राज ठाकरे का जहां तक हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी हमने देखा है और वो जगह जगह जाकर उन्होंने पीएम मोदी के पक्ष में भी अपने आप सभा की थी, तो ऐसे में उस वक्त गठबंधन नहीं था, लेकिन अब जब आधिकारिक रूप से गठबंधन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब जुट जाएगी तो यह 2.5% जो वोट है ये इसको इजाफा मिलेगा। जहां तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है और जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रणनीति का सवाल है, राज ठाकरे की रणनीति का सवाल है, तो ये मुलाकात ये साबित करती है कि कम से कम लोकसभा चुनाव में पार्टी की प्रबलतम संभावनाएं हो जाएंगी, उनका खाता खुल सके। कुछ नेता हैं यहाँ पर, हम आपसे ये बात, सर आप लोग महाराष्ट्र, अच्छा तो ये अभी फिलहाल शायद अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने आपको ये तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखाई थी दोनों नेता एक साथ। अमित, जरा अपडेट भी बताइएगा कि आगे अमित शाह के साथ कितने बजे मुलाकात हो सकती है राज ठाकरे की और कौन कौन से वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात संभव है आज? देखिए, अभी तुरंत इनकी मुलाकात जो है संभावित है, 12:30 बजे का प्रस्तावित समय है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं और विनोद तावड़े हैं जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, कई प्रदेशों का उनके पास प्रभार भी है। ये इस लोकसभा चुनाव में एक बिहार के तो प्रभारी थे ही, साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी कैसे वो गठबंधन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं ये एक अहम चीज इस चुनाव में निकल कर आई है, विनोद तावड़े का प्रमुखता से हर रणनीति के पीछे शामिल होना पहली चीज। दूसरी चीज यह कि 12:30 बजे मुलाकात होगी, संभवतः गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रहेंगे और वरिष्ठ नेता यहां पर रह सकते हैं। और तीसरी चीज, पहली बार एक साथ एनडीए के कुंभे में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना आधिकारिक रूप से गठबंधन के भागीदार के रूप में ठीक है। अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन नितिन गडकरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा सुनवा देंगे। राज ठाकरे के एनडीए में आने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का रिएक्शन भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि वो इस वक्त दिल्ली में है, एनडीए में शामिल होंगे या नहीं इसका फैसला पार्टी करेगी। राज के साथ क्या बातचीत चल रही है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, ये नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें नितिन जी, तो राज ठाकरे दिल्ली में है और राज ठाकरे अगर दिल्ली में है तो कुछ तो बड़ा चल रहा है, तो क्या अलायंस होने की बात है? देखिए, मुझे आज सुबह ही राज ठाकरे जी का फोन आया था, पर वो दूसरे काम के लिए आया था, उनके पासपोर्ट का काम था वो हो गया इसलिए धन्यवाद देने के लिए आया था, बाकी तो आज पासपोर्ट एनडीए का पासपोर्ट नहीं उनका पासपोर्ट, बाकी उनका क्या बातचीत होगी क्या नहीं ये तो आज होगी तब निर्णय होगा, मुझे पता नहीं इसके बारे में। लेकिन आप चाहते हैं राज ठाकरे आए? देखिए, इसका निर्णय पार्टी करेगी। आपका मन क्या है? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत मन नहीं होता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। और इसी खबर पर न्यूज 8 इंडिया के हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, जरा दर्शकों को समझाइएगा कि एनडीए के लिए राज ठाकरे का साथ कितना जरूरी है और राज ठाकरे के लिए एनडीए का साथ इस वक्त कितना जरूरी है जिसे लेकर दिल्ली में मुलाकात चल रही है। देखिए लवीना, आपको पहले समझाना चाहेंगे कि जो एमएनएस है वो एक रीजनल पार्टी है, लेकिन एमएनएस की जो पहचान है, जो नाम है राज ठाकरे का और जो सिंबल है वो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एनडीए एमएनएस को इसलिए शामिल करना चाहती है कि लोकसभा सीट में अगर एमएनएस के एक या दो भी कैंडिडेट को वो उतारेगी तो एक मराठी फेस, एक मराठी जो पार्टी होती है वो लोकल लोगों को खींचने में कामयाब होगी। जानकारी मिल रही है कि मुंबई के साउथ वेस्ट या साउथ से जो एमएनएस की जो कैंडिडेट है जिनका नाम बाला नांदगुकर बताया जा रहा है वो एनडीए के कैंडिडेट बनकर उतर सकते हैं ताकि जो मराठी वोटर्स हैं वो वहां पर अट्रैक्ट हो सकें। और जो बीजेपी के टारगेट है, जो एनडीए का टारगेट है कि महाराष्ट्र में कम से कम 48 में से 45 सीट जीते, वो टारगेट बीजेपी और एनडीए देख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि
राज ठाकरे को भी एक पहचान की जरूरत थी नेशनल लेवल के ऊपर। राज ठाकरे को और एमएनएस पार्टी को महाराष्ट्र में सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी पार्टी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन राज ठाकरे को नेशनल लेवल पे आने की भी जरूरत थी। उनका बेटा भी जो अमित ठाकरे है वो भी अब राजनीति में सक्रिय हो गया है, उसको भी एक नेशनल लेवल पे फेस आने की जरूरत थी। तो यही वजह है कि देखिए इसमें दोनों का फायदा है, बीजेपी का फायदा है कि मराठी वोटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, वही राज ठाकरे का फायदा है कि उनकी पार्टी नेशनल लेवल पे जाएगी, उनके जो बेटे हैं वो भी नेशनल लेवल पे एक बड़ी पहचान बनाएंगे। यही वजह है कि राज ठाकरे दिल्ली अकेले नहीं गए हैं बल्कि अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ गए हैं और पूरी तरह ये माना जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और इसी वजह से वो विनोद तावड़े जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस गए थे, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले गए थे, उसके 3 घंटे बाद ही राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका था और माना जा रहा है कि मुंबई की 6 सीट में से 1 सीट जो बीजेपी है वो एमएनएस को दे सकती है। लवीना ठीक है, विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अमित आप भी नजर बना के रखेगा, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स, 19 और 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। पुर की उस सीट पर थी जिस पर पशुपति पारस और चिराग पासवान काफी पहले से ताल ठोक रहे थे और वहां से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के दौरान ही हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखा दिए थे। पशुपति पारस इसी सीट से मौजूदा सांसद, लेकिन एनडीए ने इस बार उनका पत्ता काटकर भतीजे चिराग को हाजीपुर सीट का टिकट पकड़ा दिया। यानी टिकट की लड़ाई में भतीजे ने चाचा के सभी दांव को फेल कर दिया और हाजीपुर सीट अपने पाले में कर ली। पशुपति पारस ने कुछ दिन पहले तल्ख तेवर दिखाए थे और दो टूक बोल दिया था कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2019 में पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी थी। और कहा जाता है कि वहीं से दोनों परिवारों में तकरार ज्यादा बढ़ गई थी। गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का हिस्सा। वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग होकर एक नया जिला बना और हाजीपुर को वैशाली का मुख्यालय बनाया गया और 1977 के बाद हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ बन गया। या यूं कहें कि हाजीपुर को रामविलास पासवान के नाम से जाना गया। 1977 और 1989 में तो उन्होंने वहां से बम्पर वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते, वो वहां 2 बार चुनाव हारे भी थे। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में